समाजवादी पार्टी में जारी घमासान का जो नतीजा गुरुवार को सामने आया है उसने यूपी की सियासत को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। गुरुवार को पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश और रामगोपाल यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद से ही यूपी की सियासी गलियारे में हलचल मच गई। इन सबके बीच अब सभी की निगाहें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अगले दांव पर टिकी हैं। सपा से निकाले जाने के बाद अखिलेश ने सीएम आवास पर अपने समर्थकों और विधायकों के साथ मीटिंग की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में अखिलेश काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं पिता से अलग नहीं हो सकता, मैं यूपी जीतकर पिता को तोहफा दूंगा। इस बैठक में अखिलेश ने अमर सिंह पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि किसकी वजह से परेशानी हो रही है। इस बैठक में सपा से निष्कासित रामगोपाल यादव और धर्मेंद्र यादव भी उपस्थित हैं। वहीं खबर है कि अखिलेश की इस बैठक में 180 से ज्यादा विधायक और 30 से ज्यादा MLC पहुंचे और अभी भी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि बैठक में अखिलेश यादव के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान भी चला, जहां विधायक हस्ताक्षर करके अखिलेश के प्रति अपना समर्थन जता रहे हैं। वहीं अखिलेश के घर के बाहर भी हजारों की तादाद में अखिलेश समर्थक मौजूद हैं। उनके समर्थन में नारेबाजी भी हो रही है, यानी कि साफ है कि पहले दौर में ही अखिलेश ने पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव को अपना दमखम दिखा दिया है। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी है कि आज मुलायम सिंह यादव ने भी बोर्ड की बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में कुछ करीबी लोगों और सुरक्षा कर्मियों के अलावा कोई नहीं पहुंचा है। वहीं इस पूरे सियासी ड्रामे के बीच आजम खान मुलायम सिंह यादव से मिले और इसके बाद वो सीधे अखिलेश यादव को मिलने पहुंचे और उनको लेकर मुलायम सिंह यादव के पास गए। और अब ये बताया जा रहा है कि वहां पर अखिलेश यादव ने कुछ शर्तें रखी हैं अपनी मुलायम सिंह यादव के सामने, जिसमें ये भी शामिल है कि पार्टी से जो है वो अमर सिंह को बाहर किया जाए। और अब देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद अखिलेश और आजम और मुलायम सिंह की बैठक के बाद अब क्या खबर आती है सामने, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल बैठकों का दौर जारी है और अखिलेश को विधायकों का भारी समर्थन मिल रहा है। ऐसे में अगर सदन में शक्ति परीक्षण की नौबत आती है तो साफ है कि अखिलेश जीत की ओर हैं। हालांकि इससे पहले ही कांग्रेस की तरफ से संकेत मिल चुके हैं कि वह अखिलेश के साथ हैं, उन्हें बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं। अब जो मीटिंग चल रही है मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और आजम खान की, इसके बाद जो खबर आती है उसका सभी को इंतजार रहेगा। देखते रहिए डीबी लाइव।